आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त इस समय गिरावट का दौर चल रहा है और बॉन्ड यील्ड बहुत ही हाई है इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर। क्रूड के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो चुका है। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट को गिरने के लिए सफिशेंट कारण रखता है। और अभी मार्केट में गिरावट का दौर थमा नहीं है, अभी तो केवल ये वीक एंड हुआ है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 10,000 का स्तर जो कि हमने काफ़ी दिनों पहले आपसे कहा था बहुत जल्दी अचीव हो गया, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि 10,000 का स्तर इतनी जल्दी मार्केट अचीव कर लेगा। बट ओवरऑल मार्केट ने लगातार दो दिन 800 पॉइंट की जो गिरावट दिखाई वो ज़बरदस्त थी। और आज का जो सेशन रहा, आज में तो बड़े बड़े दिग्गज थे, स्पेशली जो पेट्रोलियम सेक्टर के स्टॉक थे उनमें तो हाहाकार मच गया। खैर, हम लोग आज ऑटो इंडेक्स पे बात कर रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और हम आपको बताएंगे ऑटो स्टॉक्स में जो दिग्गज स्टॉक हैं उनका क्या हालचाल है। सबसे पहले मैं ऑटो के इंडेक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ऑटो का इंडेक्स जो है जिसके अंदर ऑटो स्टॉक्स लिस्टेड रहते हैं 8915 यानी 8915 के लेवल पर चल रहा है और जो उसका सपोर्ट लेवल है वो 8600 का है, यानी कि अभी भी लगभग 300 पॉइंट की गिरावट ऑटो इंडेक्स के अंदर पॉसिबल है, संभावित है, जो कि हमें अगले हफ्ते देखने को मिल सकती है। बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, उसके बाद एक तेज़ी हमें ऑटो इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। बिकॉज अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है ऑटो इंडेक्स और यहाँ पर जो ऑटो जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई हो चुकी है। सो लेट्स सी कि कुछ तीन स्टॉक्स के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अशोक लेलैंड बहुत दिनों से ही होल्ड कर रहा था, 130, 128, 125 इन लेवल्स को बहुत दिनों से होल्ड कर रहा था। बट अल्टीमेटली जैसा हमने कहा था कि अगर ये नीचे की तरफ गिरा तो 106-105 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे और फाइनली 106 के लेवल आपको इसमें देखने को मिले। और आप देखेंगे यहाँ से, हमने जब आपसे पहले भी डिस्कशन किया था कि अशोक लेलैंड तभी तेजी दिखाएगा जब 135 के ऊपर की क्लोथिंग आएगी, और आप देख सकते हैं इस पूरे ही सेगमेंट में 135 के ऊपर की क्लोथिंग उसने नहीं दी, 133.5 के ऊपर ये कभी बंद नहीं हुआ। इसीलिए जब मार्केट में गिरावट का दौर आया तो ये अपने बॉटम लेवल यानी 106 की तरफ आ चुका है, ऑलमोस्ट 106। और आज तो अगर मैं बात करूँ तो 101 का लेवल भी अशोक लेलैंड ने टच किया था। सो अगर देखिए, अभी चूंकि अब बहुत ज़्यादा गिरावट का दौर नहीं है, मुझे लगता है कि 105-106 की रेंज में अशोक लेलैंड वहाँ से रिवर्सल लेगा वापस। मंडे ऑनवर्ड हो सकता है कुछ स्मॉल करेक्शन पॉसिबल हो सकता है, बट ओवरऑल यहाँ से अब हमें मुझे लगता है कि आप एक खरीदारी का मौका आ सकता है, क्योंकि अगर अशोक लेलैंड ने 105 का लेवल वीकली चार्ट पर तोड़ दिया, यानी कि अगर जो वीकली नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे रहेगा उस फ्राइडे को अगर आपको अशोक लेलैंड 105 के नीचे दिखाई दिया तो आप समझ लीजिए कि फिर अशोक लेलैंड आपको 90 रुपीज़ पर मिलेगा। सो फिलहाल अशोक लेलैंड का जो स्ट्रिक्ट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जिट स्टॉप लॉस है वीकली चार्ट पे वो है 105 का। 105 में अगर आप स्टॉप लॉस को बना के इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो आपका जो टारगेट रहेगा वो लगभग 125 से लेकर 130 का रहेगा अगले कुछ महीने के अंदर, यानी कि मुझे लगता है 2 से 3 महीने 4 महीने जिस हिसाब से भी तेज़ी आती है और उस पर डिपेंड करेगा। बिकॉज अभी कोई नहीं जानता कि मार्केट में जो तेज़ी आएगी वो कब शुरू होगी और कितनी देर तक चलेगी। तो अभी हम रेंज की बात कर रहे हैं, अशोक लेलैंड की जो रेंज है 106 बॉटम लेवल एंड 133 टॉप लेवल, तो 103 बॉटम लेवल पर है इस समय स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेनी है तो 104-105 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वीकली चार्ट पर बना के आप रख सकते हैं। अगर उसके नीचे की क्लोथिंग आती है तो एग्जिट कीजिएगा, वापस 90 रुपीज़ का वेट कीजिएगा, अशोक लेलैंड आपको 90 रुपीज़ पर मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा ये बात हो गया अशोक लेलैंड के बारे में, हमने आपको सपोर्ट बता दिए। TVS मोटर, सेम TVS मोटर का भी कॉन्सेप्ट है, ये भी इन रेंज में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं TVS मोटर तकरीबन May 18 से रेंज में ट्रेड कर रहा है और इसकी जो रेंज है वो है 511 से लेकर 605 की। फिलहाल इसने अपनी रेंज को डाउनसाइड डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ और 503 के लेवल पर आज ट्रेड कर रहा है स्टॉक।
यहाँ से अगर और वीकनेस आई तो मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको 470 के लेवल नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं TVS मोटर्स के अंदर। फिलहाल सभी दिग्गज, कोई भी स्टॉक आप ले लीजिए मार्केट के अंदर, सभी में भारी गिरावट है। लेकिन इस वक्त जो समय है वो है फंडामेंटल साउंड स्टॉक्स के बारे में। जो भी अच्छे स्ट्रांग फंडामेंटल साइन रखते हैं केवल उन्हीं स्टॉक में निवेश आपका सुरक्षित है। बाकी अगर आपके फंडामेंटली वीक स्टॉक है, टेक्निकली आपने किसी में एंट्री ली है, तो वहाँ पर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल 503 अभी सपोर्ट ब्रेक हो चुका है आज डेली चार्ट पे भी और वीकली चार्ट पे भी। और अगर नेक्स्ट वीक कंटिन्यू रखता है गिरावट, तो मुझे लगता है कि जो डाउनसाइड लेवल रहेगा मैक्स टू मैक्स वो 470 का रेविन हो सकता है TVS मोटर्स के अंदर, और जो अपसाइड टारगेट रहेगा वो लगभग 605 का। सो अगर 470 का लेवल आपको आता है तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्वांटिटीज़ को, क्योंकि वहाँ से फॉल 10 या 20 रुपये का मैक्सिमम मुझे फिर नज़र आएगा, और जो अपसाइड का पोटेंशियल है वो 600 रुपीज़ का आने वाले महीनों में। ठीक है, तो ये रहा जो हमने बात की TVS मोटर्स के बारे में। ये TVS मोटर आज लगभग 4% से ज़्यादा गिरा, 4.45%। अशोक लेलैंड सबसे ज़्यादा गिरा है 8.73%। एंड उसके बाद आता बजाज ऑटो, ये भी एक बड़ा दिग्गज स्टॉक है जो कि लगभग 4.29% डाउन हुआ है। और अगर इसके सपोर्ट की बात करते हैं तो इसका भी जो बड़ा भारी सपोर्ट है वो है 2525, यानी 2525 रुपीज़। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्टेबल है बजाज ऑटो का। और अगर ये सपोर्ट टूटता है देन उसके बाद आप स्टॉक में और वीकनेस देखेंगे, लगभग 2400 तक स्टॉक जा सकता है। ओवरऑल स्टॉक में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि और गिरावट का दौर आ सकता है, 2500 के नीचे स्टॉक जाने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं। अगर यहां से उसने सपोर्ट ले लिया, नीचे नहीं गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, तो तेज़ी के दौर में ये स्टॉक काफ़ी तेज रन अप लेगा। लेकिन अगर और वीकनेस बढ़ती है मार्केट के अंदर, 8600 का लेवल टच करता है मार्केट निफ्टी ऑटो इंडेक्स, तो ये स्टॉक आपको लगभग 2450 के लेवल भी आने वाले समय में दिखा सकता है। सो ये 2450 इनका जो डाउनसाइड डायरेक्शन है, इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग रहेगा 2650, यानी 2650 विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल ऑफ द बजाज ऑटो। तो ये तीन स्टॉक के बारे में हमने बात की। अशोक लेलैंड 105 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, टारगेट 135। 105 के नीचे वीकली क्लोजिंग अगर आती है, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे अगर 105 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, देन डेफिनेटली ये स्टॉक 90 रुपीज़ के आसपास जाएगा, 90 से 95। उसके अलावा अपसाइड में 135 एक बार क्रॉस कर दिया देन उसमें एक बुलिशनेस आएगी, तेजी आएगी और स्टॉक को लगभग 170 की रेंज तक लेके जाएगा। TVS मोटर मुझे लगता है 470 की रेंज में आना चाहिए। अगर 470 आता है देन आप 450 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें एंट्री पोजीशन ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 550 to 600 लेवल इन द नेक्स्ट 6 मंथ। बजाज ऑटो में अभी मुझे 2543 का लेवल चल रहा है, बट चूंकि अगर मार्केट में अगर और 200-300 का पॉइंट का गिरावट आता है निफ्टी ऑटो इंडेक्स के अंदर, 8915 है, 8900 के आसपास है, अगर 8650 के लेवल तक आता है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, तो बजाज ऑटो आपको 2450 के लेवल पर मिलेगा, जो कि एक अच्छा स्तर होगा खरीदने के लिए। अपसाइड में बजाज ऑटो का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लगभग 2650 या 2700 के आसपास रहेगा, एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाता तो इन स्टॉक में तेजी रहेगी। तो ये हमने तीन स्टॉक के बारे में बात की, अशोक लेलैंड, TVS मोटर, बजाज ऑटो, तीनों ही अपने आप में काफ़ी साउंड फंडामेंटल्स रखते हैं, स्ट्रांग बिजनेस सेगमेंट है। लेकिन चूंकि टेक्निकली मार्केट में गिरावट है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है ग्लोबली सभी मार्केट्स में, तो फिलहाल ये स्टॉक आप नज़र में बना कर रखिए। जैसे ही आपको बेस्ट लेवल मिलते हैं आप स्टॉक में एंट्री पोजिशन बनाइएगा, और जो आपका हॉराइजन होना चाहिए वो थोड़ा सा आप लंबा रखिएगा, लगभग 6 महीने, 8 महीने या साल भर का, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी वीकनेस आ चुकी है कंपनी में, जो मार्केट में काफ़ी वीकनेस आ चुकी है, वापस स्ट्रेंथ आने में अभी तकरीबन टाइम लगेगा। अब मार्केट में जो तेज़ी आएगी वो आएगी जनरल इलेक्शन के बाद, जो कि मई 2019 में शेड्यूल्ड है, यानी कि मई 2019 तक मार्केट जिगजैग मोशन में रहने वाला है, दबाव बनेगा उसके बाद। फिलहाल अभी जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आने वाले तीन स्टेट्स में, सभी को पता है उन तीन स्टेट में रिजल्ट आने के बाद अगर वो बीजेपी के फेवर में, एंटी गवर्नमेंट के फेवर में आते हैं, देन डेफिनेटली मार्केट में एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहेगा। आफ्टर बजट जो 1 फरवरी पे होगा, उसके बाद वापस एक कंसोलिडेशन आएगा, गिरावट आएगी, एंड उसके बाद मार्केट जो फुल फ्लेज में चलेगा वो जनरल इलेक्शन 2019 मई के बाद चलेगा, जब अगर रूलिंग पार्टी जो एनडीए गवर्नमेंट है वो वापस सत्ता में आ जाती है, उसके बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिलेगी।
सो ये हमने बात की निफ्टी ऑटो इंडेक्स के तीन स्टॉक्स के बारे में, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर एंड बजाज ऑटो। अगले तीन स्टॉक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी कुछ क्वेरीज हो आपकी तो हमें पोस्ट करते रहिए वीडियो के माध्यम से, कमेंट करते रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे जो स्मॉल रिटेल निवेशक है उसको एटलीस्ट लेबल्स पता चल पाए। रेस्ट उसकी एनालिसिस होगी कि उसको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मार्केट में बहुत अच्छा समय है, आपको एक अच्छा अनुभव दे रहा है मार्केट, और इस वक्त में, इस प्रेशर के वक्त में, इस कहते हैं कि जो दबाव का समय है, अगर ये आप झेल गए तो फिर स्टॉक मार्केट में आपको पैसे कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तेज़ी में तो फिर आप हमेशा ही पैसा कमाओगे। जो दबाव झेल गया वो जब तेज़ी आती है, जब अच्छा समय आता है, उसमें वो बहुत पैसा कमाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, तीनों स्टॉक अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर्स एंड बजाज ऑटो पर नज़र बना कर रखिए। अच्छे लेवल्स आते हैं इसमें ऐड करना शुरू कर दीजिएगा, वेदर SIP क्रिएट कीजिएगा या फिर जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप इन्वेस्ट कीजिएगा, और अगले 12 से 15 महीने के लिए होल्ड कीजिएगा, आपको शानदार मुनाफे देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।